तो आज की हमारी वीवी क्लासेस में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में कि हम डेटा टाइप्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ पे उसका यूज करते हैं। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में डेटा को डिफाइन करना और कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे उसको यूज करना, उसको डिफाइन करना। तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ इंसर्ट मॉड्यूल्स और मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिया कि सब्जेक्ट और यहाँ पे करता हूँ कि डिम। अब जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई वेरिएबल चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने 10 + 20 30 किया तो इसका रिजल्ट कहाँ ऐड होना चाहिए, तो इसके लिए वेरिएबल चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू 30 कर लिया एंड वाई इक्वल टू हमने 20 कर लिया। अब यहाँ पे एम एस जी बॉक्स के अंदर में हम ए लिखते हैं और जैसे इसको रन करते हैं देखिए 50 आए। अब ये तो मैंने बिना डिफाइन किया, मतलब कि सिर्फ बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। वेरी 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 ओके, गुड। मैंने कि वेरिएंट ले लिया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेरिएंट ले वेरी लिया। गुड। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? डीम एक्स इक्वल टू इंटीजर, डीम एक्स एंड एंड दो एक ही साथ कर सकते हैं ना सर, दोनों को डिफाइन एक ही लाइन में। हाँ, यही बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं यहां कर सकता हूं डिम एक्स एज ए, मान लीजिए यहां पे इंटीजर होगा क्योंकि नंबर है इसलिए, और डिम नो वाई एज ए हम यहां पे इंटीजर कर देते हैं, मिल ऑल्सो डिम ए एज ए इंटीजर कर देते। ठीक है, तो तीनों को हम अलग अलग लाइन में आराम से निकालें। लेकिन अगर आपको डिफाइन, अगर तीनों सेम कास्ट का है तो आप यहीं पे कि ए कॉमा एक्स कॉमा वाई हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आर आर स्लैश टू ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मान लीजिए कि मेरे पास क्वार्टर वन है जिसमें मान लीजिए 50 सेल है, क्वार्टर टू है जिसमें मेरे पास 60 सेल है, राइट, और मुझे ग्रोथ निकालना है। तो हमने यहाँ पे लिखा ग्रोथ इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू। अब इसको क्या करेंगे, तो मान लीजिए क्वार्टर वन क्वार्टर टू सेल्स है तो इसको हम लेते हैं डिम क्यू कॉमा क्यू टू एज ए हमने कर दिया लॉन्ग, बट जी जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि तो इस पे डेसिमल आएगा इसलिए जी एज ए हम लिखेंगे डबल। क्या लिखेंगे? डबल। उसके डबल बाद हम यहाँ एम एस जी बॉक्स पे करेंगे एम एस जी बॉक्स और यहाँ पे हम लिखते हैं जी, तो यहाँ आपका रिजल्ट आएगा 0.2। अब यहाँ हमने देखा कि दो अलग अलग हो, क्या हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं? जी हाँ, इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि यहीं पे कॉपी करते हैं इसको और एक ही लाइन, लेकिन ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जी लगा दें फिर तो लॉन्ग ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर जी कॉमा कर दीजिएगा तो लॉन्ग ही हो जाएगा, क्योंकि ये अलग डेटा टाइप्स है इसलिए हम यहाँ पे जो है कॉमा करेंगे और लिखेंगे क्यू एज ए डबल। ये ग्रोथ जी है ना, जी एज ए जी। डबल हम यहाँ पे हाँ डबल कर देंगे, ये आपका फिर आपका काम करेगा। अब क्वेश्चन आता है, ये तो डेसिमल में आ रहा है, हमें तो परसेंटेज चाहिए, तो इसके दो तरीके हैं। एक, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100
और फिर एन परसेंट में मैं परसेंटेज का सिंबल ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए 20% आए, पर प्रॉब्लम है कि फिर इसके ऊपर कैलकुलेशन वगैरह नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं तो आप चाहते हैं कैलकुलेशन भी हो और मुझे एक्चुअली में मेरा जो है वो 0.2 ही रहे, बट इसमें सो हो 20%, तो उस केस में हम फॉर्मेट का फॉर्मा लगाते हैं, जो नंबर फॉर्मेट के अंदर जो हम कोड देंगे 0.00%, वही चीज यहाँ भी देंगे। अब इसको मैं रन करूंगा तो देखिए 0.00 आ गया, समझे? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि मैं यहाँ पे तीसरा लगाता हूँ कि सम RR/3। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा डिम के यहाँ पे के एज ए डबल, ठीक है, और यहाँ पे और भी कर सकते हैं कि के कॉमा के जे कर देता हूँ, जे एज ए डबल। तो मान लीजिए के जो है हमारा 500 है, मुझे इसका 10% शो करना है जे के ऊपर स्टोर करना है, तो जे इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई 10%, ये गलत होगा क्योंकि वी वी ए परसेंट को रिकनाइज ही नहीं करता है। हमारे पास दो तरीके हैं, पहला कि मैं इसको डिवाइड बाई 100 कर दूं और फिर इसको रन करूं तो मुझे रिजल्ट चाहिए ना एम एस जी बॉक्स, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जे हम यहाँ डाल देते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। पिक्स हो गया, बॉक्स करना चाहिए था। अब इसको रन करते हैं, दिख गया सर 50। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 0.10 भी इस तरह से लिख सकते हो 0.10, तो परसेंटेज में इस तरह से आप यूज कर सकते हैं परसेंटेज। समझ में आया आपको, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, क्लियर है ना? क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि आप इसकी अपने एंड से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, मुझे आप जो है 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन